जिले के दलोदा थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 5,000 लीटर से अधिक कच्ची शराब महुआ नष्ट किया। बता दें कि दलोदा थाना पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार की टीम द्वारा दलोदा के निकट गांव बानी खेड़ी में दबिश देकर लगभग 5,000 लीटर से अधिक महुआ लहान नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री व उपकरणों को जलाकर नष्ट किया गया। बानी खेड़ी बाछड़ा डेरों के पीछे खेतों में सर्चिंग कर अवैध महुआ लहान पाया गया, जिसे नष्ट कर प्लास्टिक की केनों को भी जलाया गया। गौरतलब है कि मंदसौर जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां बाछड़ा डेरों में अवैध रूप से जहरीली कच्ची शराब बनाकर सस्ते दामों में परोसी जाती है, जहां अभी भी आबकारी विभाग की कार्यवाही से वंचित है। मंदसौर जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राम बानी खेड़ी में सूचना मिली थी कि झाड़ियों में अवैध लहान रखा हुआ है। चूँकि बरसात का मौसम है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ शासकीय जमीन पर हुई, उसके अंदर टब्बों में खेड़ों में लहान भरा हुआ था। करीब 5,000 लीटर लहान था, नष्ट किया। और जो जिस बर्तन में लहान रखा था उस बर्तन को भी आग लगा के नष्ट किया। कितना आरोपी पकड़ में आए सर? इसमें अभी क्लियर नहीं हुआ कि किसने रखी थी, कंफर्म नहीं।